हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे लॉन्ग एंड वेवी हेयर क्वालिटी पे कटिंग बताने वाली हूँ कि ऐसे हेयर पे आप कौन सा कट करके दें। हाफ अप डिवाइड करके सामने की तरफ लेके आना और जो पहला सेक्शन है वो डिवाइड करना है कान के जस्ट सामने से, ठीक है। उसके बाद सेंटर पार्ट से हेयर को लेंगे। सेंटर पार्ट्स मतलब जो आईब्रो का वी सेक्शन होता है और नोज एरिया, इन दोनों को मिलाते हुए निकालेंगे। बीचों बीच से हेयर को लेना है और इसको चेन से नीचे रखते हुए कट करेंगे। तो मैं मीडियम लेंथ रख रही हूँ, यहाँ पे फ्रंट से भी इक्वल कट कर देना है। एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे और ये हमारी गाइडलाइन रेडी हो चुकी है। इसके बाद में जो साइड वाले हेयर हैं इनको भी जस्ट गाइडलाइन के साथ मिक्स करते हुए इक्वल कट कर देना है। तो मैं इनके हेयर पे अपना सिग्नेचर लेयर कट करके दे रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हेयर कट है ये कट। पता है आप ऑल टाइप्स की हेयर क्वालिटी पर कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। तो ये पहला जो है फ्रंट का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में फिर से हम दूसरा सेक्शन लेंगे कान के जस्ट पीछे से सामने की तरफ लेके आना है अच्छे से कॉम करते हुए। बहुत ज़्यादा फंसने वाला हेयर था इनका। मैं जब इनके हेयर को पहले अच्छे से टैंगल फ्री करी, वो तो वीडियो में शूट ही नहीं की, अगर करती तो आपको दिखाती। बहुत मेहनत लगी मुझे पहले तो इनके हेयर को सही करने में। अब इसको यहाँ पे मैं तिरछा कट करी हूँ, ठीक है, सामने लाते हुए तिरछा कट करी हूँ, जैसे लेयर कट में करते हैं उस तरीके से। लेज़र मतलब फैदर हेयर कट के जैसे हेयर को सामने लाई हूँ, बट कटिंग में तिरछा कट करी हूँ ताकि जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बचा सकूँ। दोनों तरफ का एक साथ करते हुए चल रही हूँ। पार्टिंग से पार्टिंग को मिलाते हुए सेक्शन निकालेंगे। जैसे आप भी मैं पहले जो कट कर ली थी ना, तो उसी सेक्शन को मैच करते हुए दूसरी साइड का भी सेक्शन में डिवाइड की हूँ। तो इससे क्या रहता है ना कि कभी भी आपका सेक्शन आगे पीछे नहीं होगा। तो खास करके ये जो वीडियो है ना, बिगनर लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए तिरछा कट करी मैं और रीचेक कर ले रही हूँ मैं, और बिल्कुल फेस के सामने ही हेयर को लाना है, फेस फॉरवर्ड जिसको हम बोलते हैं। फिर से सेक्शन डिवाइड करें इधर से,
तो ये फ्रंट से अच्छे से कट हो चुका है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम साइड बैंग्स कट करेंगे। बीचों बीच से हेयर को लेना है, ऐसा ए सेक्शन डिवाइड करते हुए। बहुत थिक लेयर नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनको निकालना नहीं रहता, साइड में ही रखेंगी। तो इसको मैं मीडियम लेंथ में रखते हुए कट करूँगी। ट्विस्ट कर देना है चिन के पास से लाके, कट कर देना। चिन के पास वाला जो लेंथ है वो सबसे सही पूछो तो परफेक्ट होता है, ना बहुत शॉर्ट होता है ना मीडियम होता है, ठीक है। लॉन्ग तो होता ही नहीं है, तो आप मीडियम लेंथ के लिए ऐसा कट कर सकते हो। ऊपर की तरफ ले जाके ज़िगज़ैग करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया है डन। इसके बाद में हेयर को हम बैक साइड में ले जाएंगे और उसमें भी ट्रिमिंग करेंगे। देखिए कितना चेंज दिखने लगा है अभी कट होने के बाद में। लुक पीछे साइड से हेयर को शेप देना है अच्छे से, जो नीचे से हेयर अनइवन लग रहे ना उसको कट कर लेना है। तो सेंटर पार्ट्स को बराबर और साइड वाले हेयर को तिरछा। विदाउट क्लच की ये, विदाउट पोनी की आप लुक देखिए। आप लुक जरूर बताना कि कैसा लगा आज का ये हेयर कट। फ्रंट से भी आपको लुक दिखाऊंगी अच्छे से कॉम करके भी, ताकि एग्जैक्ट जो शेप दिख रहा है वो आप समझ सकें। तो पहले हेयर बहुत ही सिंपल सा दिख रहा था, अब ये है कि क्लच करेंगी तो कुछ ऐसा लुक दिखेगा। लेंथ जितना इन्होंने बोली थी मैंने इनके हिसाब से ही कट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप ये मान लीजिए कि 2 से 2.5 इंच के लगभग इनकी लेंथ गई होगी टोटल, बाकी पूरी लेंथ इनकी मैंने मेंटेन रखी हुई है।
तो सबसे ज़्यादा तो लोग इस तरीके से ही रखना पसंद करते हैं, क्लच लगा के। तो जब क्लच करेगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो उनका वीडियो मैं कल शेयर करूँगी भी एक ही साथ में। और ये जो लुक आप देख रहे हो ना कटिंग, ये ऑल टाइम डिमांड में रहता है। जब भी लोग आते हैं ना इस कटिंग को करवा के जाते ही जाते हैं, मतलब सारे कटिंग होते हैं लेकिन इस कटिंग का बहुत डिमांड रहता है। क्योंकि ये कट ऐसा है ना कि आप ऑल टाइप के एज ग्रुप पे करते हो या ऑल टाइप्स की हेयर क्वालिटी पे करते हो, सभी पे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हेयर कर्ली हो, वेवी हो, स्ट्रेट हो, मैटर नहीं करता, सभी पे अच्छा लगता है। और कट होने के बाद जो लुक चेंज हुआ है वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। एक बोलते ना कि फेस बहुत चेंज दिखने लगता है। तो दोनों साइड से आपको मैं फेस लुक भी दिखा दे रही हूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस।